नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब से मेयर चुनाव हुए हैं और जब से लेके अब तक कोई ना कोई वार्ड में किसी ना किसी तरह का जो है ये हर बार जो है कोई ना कोई पार्षद जो है उसका विरोध कर रहा है। और आज जो हम जो है सेक्टर 56 में आए हुए हैं, वार्ड नंबर 29 में, वहाँ के पार्षद मनोवर अंसारी जी जो है आप देख रहे हैं कि ये कैंडल मार्च आज निकाला गया है। सबसे पहले मैं वार्ड के पार्षद मनोवर अंसारी से कहूँगा कि सर ये किसका मतलब क्या है आज? जो अनिल मसीह जो किया था, जिसको बीजेपी का आज के लोग बीजेपी वाले उसको मसीहा बोल रहे हैं, उसका जो 30 तारीख के जो हाउस में किया बीजेपी वाले, उसको चलते हम लोग कैंडल मार्च चला रहे हैं। हम लोग जगह जगह जलाते रहेंगे। हमारा सारा वार्ड आज चंडीगढ़ में भी जल रहा है। जो बीजेपी के चोरी है सामने आ गया है, सुप्रीम कोर्ट भी बता दिया है, हाईकोर्ट भी बता दिया है, बाकी देश के जनता भी बता दिया है। ओल्ड से भी खबर आ रहा है कि बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं। बीजेपी का पोल खुल गया है कि बीजेपी क्या करती थी। बीजेपी के वोट चोरी है जीतने के कारण। इसको 2024 बीजेपी के जवाब देगी चंडीगढ़ का जनता, बाकी इंडिया का भी जनता उसको जवाब देगी बीजेपी किस तरह चोरी से जीतती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोग अभी 12 तारीख तक वेट करें, जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता, फिर भी जो है हर एक वार्ड में जो इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। हमारा प्रदर्शन करने का मकसद यही है कि अभी तक अनिल मसीह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ। हम एसओचओ के दिए, एसएसपी मैम के दिए, जनता के हमारा जगते रहेंगे, जनता भी हमारा जगेगी, तभी तो पता लगेगा कि जनता के क्या बीच में हो रहा है। जनता का पता भी तो लगना चाहिए। हमारे वार्ड में जनता का पता लगा कि बीजेपी क्या करी है, जो चोरी करी है उसको पता लग गया जनता के बीच में आज कि बीजेपी किस तरह चोरी करती है। वोट भी चोरी होता है, पहले वोट चोरी नहीं होता था, बीजेपी वोट चोरी करना शुरू कर दी। और आपको लगता है कि आपको जल्दी इंसाफ मिलेगा? हमारा इंसाफ मिलेगा जी, हमारे सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है।